हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th मैथ्स सेक्शन फॉर्मूला। हियर इज अ वन क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो। हम लोगों ने रेशियो पता करनी है इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। दो पॉइंट्स हैं, लेट मी से पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -3,10 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,-8। और इन दोनों पॉइंट्स को कोई लाइन ज्वाइन कर रही है और इसके ऊपर एक पॉइंट है पी -1,6 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें रेशियो पता करनी है। रेशो मतलब वी हैव टू फाइंड M1 रेशो M2। यानी कि अभी तक आप लोग P के कोऑर्डिनेट्स पता करते हुए आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं और आपको पता करने हैं अब रेशो M1 एंड M2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मुझे P के X और Y दोनों की वैल्यू पता है तो इसीलिए मैं दोनों में से कोई भी वैल्यू को यूज करके M1 M2 का रेशियो निकाल सकता हूं। आपको जैसे पता ही है x का फॉर्मूला क्या होता है, M1 की मल्टीप्लाई X2 के साथ और M2 की मल्टीप्लाई X1 के साथ और नीचे होता है M1 प्लस M2। अब x की जगह पे हम लोग लिख देंगे -1। M1 हमें नहीं पता, X2 की वैल्यू है 6, M2 की वैल्यू हमें नहीं पता, X1 की वैल्यू है -3 अपॉन M1 प्लस M2 जो हमें नहीं पता, तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, 6 को M1 से मल्टीप्लाई किया 6M1, 3 को M2 से किया -3M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 से किया 6M1, फिर 3M2, फिर हम लोग -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -M1 -M2। अब आपको करना क्या है, M1 वाले एक साइड पे कर लें और M2 वाले दूसरी तरफ कर लें। 6 प्लस 1 मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज 7M1, 3 में से 1 गया 2, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है तो माइनस होगा, 3 में से 1 गया 2, क्योंकि 3 बड़ा है तो इसलिए पॉजिटिव लगाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, M2 को इधर ले आएंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा और 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि वट इज द रेशो, M1 रेशो M2 इज इक्वल टू 2:7 और इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। तो यानी कि कितनी रेशो आ रही है हमारे आंसर में, 2:7 आ रही है और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग रेशो M1 एंड M2 फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये तो हो गया कि x की बात की हम लोगों ने x के थ्रू, अगर सपोज करो यही चीज मुझे y के थ्रू भी पता करनी होती तो वो मैं कैसे करता, अब उसकी बात करेंगे हम लोग। हमें करना कुछ नहीं है, जहां पे भी हम लोगों ने x1 x2 की बात की है वहां पे हम लोग y1 y2 की बात करेंगे और जहां पे हमने x लिखा है वहां पे हम लोग y के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे y इज इक्वल टू M1 की मल्टीप्लाई Y2 से, M2 की मल्टीप्लाई Y1 से और नीचे आएगा M1 प्लस M2। चलिए Y की जगह लिख देंगे 6, M1 इंटू Y2 की जगह पे -8, Y1 की जगह पर 10 अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका बन गया 8M1 प्लस 10M2 और नीचे M1 प्लस
अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को m1 से किया 6m1, 6m2 को किया 6m2, 1 को करेंगे -8m1 प्लस 10m2। वही सेम प्रोसीजर फिर करना है हमें, m1 वाले हमने एक तरफ कर दिए और m2 वाले हमने एक तरफ कर लिए। 6 + 8 यहाँ पे करेंगे हम लोग 14m1, 10 - 6 = 4m2। अब m2 उधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो गया, 14 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग 2/7। तो यानी कि अगेन m1 अपॉन m2 का रेशो 2:7 आ गया, और ये हमारा रिजल्ट था पहले भी और यही सेम रिजल्ट हमारा आया है अभी भी। होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।